सीहोर के सिद्दीकगंज थाने में पदस्थ टीआई माधो सिंह कनेश को काम में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया। इनके खिलाफ एसपी को कई शिकायतें मिली थी। ग्राम देवली में 18 मार्च को एक युवती अपने घर में आग से जल गई थी, जिसका उपचार के दौरान भोपाल में मौत हो गई। इस मामले में सिद्दीकगंज टीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई। एसपी एसएस चौहान ने सिद्दीकगंज टीआई माधो सिंह कनेश व एसआई श्याम सिंह सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया है। वहीं एक अन्य मामले में दो आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। देवली में एक 16 वर्षीय आदिवासी युवती अपने घर में जल गई थी। मृतिका की मां का आरोप है कि मेरी बेटी जली नहीं, जलाई गई थी। घटना के बाद उसे आष्टा से सीहोर और सीहोर से भोपाल रेफर कर दिया गया था, जहां 21 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस गंभीर मामले में मृतिका की मृत्यु पूर्व बयान न होना, मामले में प्रकरण दर्ज करने में देरी, मां द्वारा मामले में कार्रवाई नहीं करने की शिकायत करने जैसी बड़ी लापरवाही सामने आने पर एसपी एसएस चौहान ने मामले को अति गंभीरता से लिया तथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले सिद्दीकगंज थाना प्रभारी माधो सिंह कनेश, एसआई श्याम सिंह सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया। वहीं एक अन्य मामले में सिद्दीकगंज थाने के दो आरक्षकों को भी एसपी द्वारा लाइन अटैच कर दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।